हिंदी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर। आरिस बनने की पहले से शुरुआत से ललक थी या? हाँ, पहले से आफ्टर ब्लाइंडनेस। हाँ अच्छा, तो किस तरीके से अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो ओटीएस में, किस तरह से ट्रेनिंग कर पाते हो इन सब कुछ होने के बाद भी? ट्रेनिंग तो क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, तो आपको हर चीज सुन के समझना पड़ता है, तो वो तो मैं कर लेती हूँ। आँखों की जरूरत पड़ती है तो सपोर्ट मिल जाता है सभी से। किस तरीके से? जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट रीड करना हो तो साथ ही बता देते हैं, इवन पापा और ये बता देते हैं। अब आपकी पोस्ट जब फील्ड में पोस्टिंग होगी, जब किस तरह से काम कर पाएंगी आम जनता, क्योंकि जनता के बीच भी जाना पड़ेगा। तो आपको डिसीजन मेकिंग तो माइंड से करना होता है, और जो चीज अगर आंखों की हो तो आपको अटेंडेंट हो, कंप्यूटर है, तो आपको हो जाएगा। अभी तक तो आपके पापा सहयोग कर रहे थे, अब आगे आपको मिलेगा कोई ना कोई अटेंडेंट, कोई ना कोई मतलब सपोर्टेबल तो कोई मिल ही जाता है। तो किस तरह से वर्क करते हैं, जैसे यदि नेट वेट या कुछ? ये तो टॉप वेब होता है आजकल, आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, कंप्यूटर और मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सब कुछ देख पाते हैं मोबाइल से? हाँ, सब कुछ लेते हैं, सब कुछ, हर चीज वेबसाइट होता है, गूगल होता है, यूट्यूब होता है, सब कुछ, व्हाट्सएप है, सब यूज कर लेते हैं। जब आप सर्विस में आए किस तरह से महसूस किया, और अब फील्ड में जाने वाले हो, आज ट्रेनिंग भी आपने की, पूरी पंचायत देखी, क्या कुछ समझ पाए इसमें? अच्छा लगा, हर चीज प्रैक्टिकल चीजें देखने का मौका मिल रहा है, और यही है कि कुछ करने के लिए आए, कुछ करेंगे। अब फील्ड ट्रेनिंग भी होने वाली है आपकी? हाँ, फील्ड ट्रेनिंग भी होने वाली है। तो आप जल्दी SDM भी बनोगे, और SDM जनता की सेवा भी करनी है आपको, जरूरी इसी पर्पस से आए। ठीक है, थैंक यू। लेकिन वीडियो लो।